नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट टॉक। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सारे सवाल के जवाब जो कि लॉकडाउन 5.0 से रिलेटेड है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ जो कि है, हैज़ द लॉकडाउन बीन एक्सटेंडेड। हाँ दोस्तों, लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है जो कि है 30 जून तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। हैव रूल्स बीन रिलैक्स फॉर नॉन कंटेनमेंट एरियाज। आप देखेंगे कि जो भी नॉन कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पे काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन स्टार्ट हो चुकी है, और जो भी कंटेनमेंट एरिया है उसके लिए लॉकडाउन 5.0 स्टार्ट हो रहा है, पर जो भी नॉन कंटेनमेंट एरिया है उसके लिए आप समझ सकते हैं कि अनलॉक 1.0 स्टार्ट हो रहा है। इज़ देयर समथिंग कॉल्ड अ बफर जोन? सो बफर जोन हम समझेंगे दोस्तों, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं बफर जोन को लेके। तो बफर जोन वो एरिया होता है जो कि 5 किलोमीटर रेडियस में कंटेनमेंट जोन के आता है, और हाँ अभी भी बफर जोन एग्जिस्ट करता है। विल आई स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम ऑफिस? आप ऑफिस जाना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट ऑफिसेज हैं जो कि नॉन कंटेनमेंट एरिया में स्टार्ट हो चुके हैं। विल शॉप सेलिंग नॉन एसेंशियल बी अलाउड टू ओपन? पहले ही एसेंशियल प्रोडक्ट्स के जितने भी आपके स्टोर्स थे वो तो ऑलरेडी अलाउड थे, पर अभी नॉन एसेंशियल की बात आती है तो नॉन कंटेनमेंट जोन में नॉन एसेंशियल शॉप्स को भी अलाउ कर दिया गया है। कैन आई गो टू अ टेम्पल और रिलीजियस प्लेसेस? अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद जाना चाहते हैं, अब आप जा सकते हैं, अच्छे से जा सकते हैं, अच्छे से प्रेयर कर सकते हैं, पर ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये स्टार्ट होगा आपका 8 जून के बाद से। विल शॉपिंग मॉल्स ओपन? दोस्तों ये मतलब बहुत खुशखबरी है बहुत लोगों के लिए। बहुत लोग घर में बैठे बैठे उनका दिमाग ख़राब हो गया था, तो अब जानेंगे कि शॉपिंग मॉल्स जो है कि आपका स्टार्ट हो चुका है 8 जून से स्टार्ट हो जाएगा ये, पर इसके लिए अलग से एक रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज़ करेगी, और ये सारे स्टेट में रेगुलेट किया जाएगा। विल रेस्टोरेंट एंड बार्स बी अलाउड टू ओपन? रेस्टोरेंट 8 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, पर बार्स अभी भी बंद रहेंगे, और ये जो आपका रेस्टोरेंट के लिए भी अलग से हेल्थ मिनिस्ट्री एक रूल्स एंड रेगुलेशन को रेगुलेट करेगी। विल होटल्स बी अलाउड टू ओपन? 8 जून से सारे होटल्स को ओपन कर दिया जाएगा, इसके लिए भी अलग से एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा कोई भी स्टार का होटल हो। विल इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स बी अलाउड? हाँ, इंटर स्टेट का जो भी है अभी अलाउ कर दिया गया है, कोई भी पाबंदी नहीं है, आपको कोई भी स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको नो सेपरेट पासेस विल रिक्वायर्ड, कोई भी पास ज़रूरत नहीं होगा, जो कि पहले लोगों को ट्रैवल करने के लिए आने जाने के लिए पासेस की ज़रूरत पड़ती थी। कैन आई बुक ओला एंड ऊबर? आप ओला एंड ऊबर बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अभी ये सर्विसेज अवेलेबल है सिर्फ आपको नॉन कंटेनमेंट जोन में अवेलेबल है। अभी भी कंटेनमेंट जोन में इस पे पाबंदी लगाई गई है, और इसको कंटेनमेंट जोन में स्टार्ट होने में कुछ समय लग सकता है, 1 महीना तो लगेगा ही। कैन आई ट्रैवल बाय मेट्रो? जी नहीं दोस्तों, अभी भी मेट्रो बंद है। अभी ये मान लीजिए कि जब तक ये लॉकडाउन है आपका 30 जून तक मेट्रो पे पाबंदी लगाई गई है, कभी भी मेट्रो का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया गया है। विल आई बी एबल टू बाय अल्कोहल? ज़रूर आप ख़रीद सकते हैं और जी भर के पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लॉकडाउन आपका 30th तक चले या फिर आपका 2 महीना और चले, पर इस पर आप चाहें तो कि कोई भी एरिया हो, कंटेनमेंट जोन हो नॉन कंटेनमेंट जोन हो, आप कहीं से भी जाके इसको अवेल कर सकते हैं। कैन आई ट्रैवल बाय ट्रेन टू अनदर स्टेट? हाँ दोस्तों, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं बाय ट्रेन, अभी इस पर कोई पाबंदी नहीं है। कैन गेस्ट बी इन्वाइटेड फॉर मैरिज सेरेमनी? अगर आप आपकी शादी रुकी हुई थी लॉकडाउन के चलते, अगर आप यहाँ पे शादी अपना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर जो गेस्ट रहेंगे काफ़ी लिमिटेड रहेंगे। जो कि गैदरिंग अलाउ की गई है वो गैदरिंग है लाइक मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं उस गैदरिंग में, उससे ज़्यादा नहीं। विल स्कूल कॉलेजेस ओपन? जी नहीं दोस्तों, अभी स्कूल एंड कॉलेजेस क्लोज रहेंगे, इस पर अभी भी कुछ बताया नहीं गया है, कुछ क्लियरली कहे नहीं है, बट दे आर सेइंग दैट इस पे दे विल डिस्कस इन द मंथ ऑफ जुलाई। कैन आई ट्रैवल ओवरसीज इन एन एयरलाइन? नहीं दोस्तों, कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल अभी अलाउ नहीं किया गया है, और इस पे कोई बात भी नहीं कही गई है, तो इसको समझ लीजिए कि 2-3 महीने आने वाले 2 से 3 महीने आप कहीं भी कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते।
विल सिनेमा हॉल्स अलाउड टू ओपन? जी नहीं दोस्तों, सिनेमा हॉल्स अभी भी क्लोज रहेंगे। अभी इसके ऊपर भी कुछ नहीं बोला गया है कि ये कब तक बंद रहेंगे और कब तक ये आप लोगों का एंटरटेनमेंट बंद रहेगा, पर ये मेरे हिसाब से कम 2 से 3 महीने तो ये बंद रहेगा, और खुलने के बाद भी बहुत सारे लोग थिएटर्स में जाना पसंद नहीं करेंगे। क्या जिम आपका ओपन हो जाएगा? क्या जिम अलाउ होगा ओपन? जी नहीं दोस्तों, जिम अभी भी क्लोज़ रहेगा, और ये तो आप समझ लीजिए कि आने वाले 2 से 3 महीने तक ही ये बंद ही रहेगा। आपको अगर एक्सरसाइज करना है तो आप घर पे आराम से फ्लोर पे कर सकते हैं, फ्लोर इज़ इनफ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको सारे सवालों का जवाब मिला हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट होऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो फ्यूचर में सभी वीडियो जो भी तुरंत अपलोड होती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।